Hello, students. Let's continue reading the chapter sixth, Health and Disease. We have already studied about diseases and good health and causes of disease. The disease caused due to microorganisms, germs, different type of microorganism, bacteria, viruses, protozoa, fungi, and types of diseases, communicable and non-communicable disease, and how. कम्युनिकेबल डिजीज डिजीज स्प्रेड आई मीन मीडियम ऑफ कॉन्टामिनेशन देन वी हैव स्टडीड अबाउट हाइजीन एंड वैक्सीनेशन टूडे वी विल रीड डिजीज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिय पोषक तत्वों की कमी से होने वाली बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे सम diseases are caused due to deficiency or lack of a particular nutrient in the body. कुछ जो बीमारियां हैं वो हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी से पोषक तत्वों की कमी के कारण होती हैं दिस हैपन्स वेन वी डू नॉट ईट बैलेंस डाइट ये तब होती है जब हम बैलेंस डाइट नहीं लेते संतुलित आहार नहीं लेते जब हमारे खाने में हर न्यूट्रिय की मात्रा सही नहीं होती है ओके द फॉलोइंग टेबल लिस्ट सम विटमिन एंड मिनरल्स द डिजीज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी एंड द फूड आइटम्स कंटेनिंग दीज न्यूट्रंस नीचे एक टेबल दिया है उस टेबल में कुछ न्यूट्रंस के नाम दिए कुछ मिनरल्स के नाम दिए हैं और उनसे होने वाली बीमारियों के नाम दिए हैं सिम्टम्स दिए हैं उनके लक्षण दिए हैं बीमारियों के और किस किस खाने में वो न्यूट्रंस पाए जाते हैं ये भी दे रखा है विटमिन ए पहला न्यूट्रिएंट क्या आपका विटामिन ए है विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस ड्राई आईज अल्सर इन आईज आंखों की बीमारियां आप देख सकते हैं जितने भी यहां पे बीमारियां नाइट ब्लाइंडनेस हो ड्राई आई अल्सर इन आईज ये सारे आंखों की बीमारियां विटामिन ए की कमी से होती है न्यूट्रंस अवेलेबल इन विटामिन ए किन किन किस किस खाने में पाया जाता है मिल्क बटर फिश egg green leafy vegetables papaya mango tomato and carrot in sari cheezon mein kya paya jata hai vitamin a paya jata hai so if you want your eyes to be healthy you have to eat these foods अगर आप चाहते हैं कि आपका आंख स्वस्थ रहे अच्छा रहे तो आपको इन सारी चीजों को जरूर खाना चाहिए मिल्क बटर फिश एग ग्रीन वेजिटेबल्स पपाया मैंगो टमाटो कैरेट ओके नेक्स्ट इज विटामिन बी विटामिन बी की कमी से विटामिन लैक ऑफ विटामिन बी से क्या होता है वेरी वेरी अ पर्सन फील्स टायर्ड वेरी वेरी होने पे क्या होता है एक पर्सन जो है एक इंसान जो है वो कमजोरी महसूस करता है लॉस ऑफ एपेटाइट आपको खाने की इच्छा नहीं होगी भूख नहीं लगेगी लॉस ऑफ एपेटाइट वीकनेस ऑफ नर्व कमजोरी हो जाती है आपके नर्वस में ब्लिस्टर्स इन माउथ मुंह में छाले आने लगते हैं ब्लिस्टर्स आने लगते हैं फोड़े होने लगते हैं मुंह के अंदर न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल मिल्क एग कैरेट ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स मीट सीरियल्स अनपॉलिश राइस इन सारी चीजों में क्या पाया जाता है विटामिन बी नेक्स्ट इज विटामिन सी विटामिन सी किस चीज में पाया जाता है विटामिन सी जनरली सोर फ्रूट्स में खट्टे फलों में पाया जाता है विटामिन सी की कमी से क्या होता है स्कर्वी स्कर्वी स्वेलिंग एंड ब्लीडिंग ऑफ गम्स स्कर्वी क्या है स्कर्वी में क्या होते हैं आपके जो मसूड़े हैं दांत के गम्स हैं वो फूल जाते हैं और ब्लीड होने लगते हैं खून निकलने लगता है फ्रीक्वेंट कोल्ड आपको क्या होगा बार बार जुकाम होगा कोल्ड होगा साइट्रस फ्रूट्स साइट्रस फ्रूट खट्टे फल लाइक ऑरेंजेस लेमन गूजबेरीज आंवला ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड स्प्राउट एंड पल्सेस इन सारी चीजों में क्या पाया जाता है विटामिन सी पाया जाता है खट्टे फलों में लीफी वेजिटेबल्स में स्प्राउट्स में स्प्राउट्स क्या है अंकुरित अनाज जब आप किसी अनाज को चना मूंग इन सारी चीजों को भिगोकर छोड़ते हैं तो उनमें क्या होता है एक छोटे छोटे व्हाइट व्हाइट पतले पतले रूट्स निकल आते हैं जॉमिनेट हो जाते हैं वो सीड्स डाटाकॉल स्प्राउट्स स्प्राउट्स में पाए जाते हैं और पल्सेस दाल विटामिन डी रिक्टिस बो शेप्ड लेग रिक्टस एक टाइप की बीमारी है जो कि विटामिन डी की कमी से होती है इसमें क्या होते हैं जो पैर होते हैं लोगों के वो बो जैसे हो जाते हैं मुड़ जाते हैं कर्व हो जाते हैं पाव वीक बोन्स एंड टीथ हड्डियाँ और दांत कमजोर हो जाते हैं विटामिन डी की कमी से मिल्क एग पनीर चीज अर्ली सनलाइट किस किस चीज़ों से विटामिन डी मिलता है हमारे बॉडी को दूध से अंडे से पनीर से चीज से मतलब मेनली मिल्क आइटम से दूध से बनी चीजों से विटामिन डी मिलता है एंड अर्ली सनराइ लाइट धूप से भी विटामिन डी मिलता है हमारे बॉडी को विटामिन ई e, पेल स्किन विटामिन ई की कमी से क्या होता है पेल स्किन हो जाते हैं स्किन जो है बहुत अनहेल्दी हो जाती है पेल हो जाती है एग योग नट ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स वेजिटेबल ऑयल्स व्हीट जर्म्स इन सारी चीजों से क्या मिलता है विटामिन ई e मिलता है अंडे से नट्स से ग्रीनी वेजिटेबल से वेजिटेबल ऑयल से आपके बॉडी को विटामिन ई e मिलता है ओके विटामिन ई से आपके स्किन क्या होती है अच्छी रहती है अच्छी बनी रहती है नेक्स्ट इज विटामिन के एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड अगर विटामिन के की कमी है शरीर में तो क्या होगा खून बहुत ज्यादा वेस्ट होता है बॉडी का इवन इन केस ऑफ स्मॉल कट एंड इंजरी अगर आपको थोड़ी सी भी चोट लगती है थोड़ा सा भी कट होता है तो खून बहुत अधिक बहता है बर्बाद होता है दैट मीन्स कि आपका जो वुंड है उस पर जो ब्लड क्लॉटिंग है वो नहीं हो पाती खून जल्दी से जमता नहीं है फाइब्रेक्सीन जो होते हैं जो कि किसी भी वुंड के ऊपर क्रिएट होते हैं डार्क कलर के थिक ब्लड टाइप का स्ट्रक्चर वो जल्दी क्रिएट नहीं होता तो खून रुकना बंद नहीं होता ग्रीन विटामिन के इज प्रेजेंट इन ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स व्हीट ब्रान एंड चीज ओके नेक्स्ट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस पुअर ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से आपकी हड्डियां और दांत सही तरीके से नहीं बढ़ पाते हैं बोन्स का और टीथ्स का ग्रोथ नहीं होता कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी से ओके मिल्क मिल्क प्रोडक्ट सोयाबीन फिश एग योक मीट होल ग्रेन्स नट्स दूध और दूध से बनी चीजें सोयाबीन्स, फिश एग योल्क अंडे के बीच में जो येलो पोर्शन होता है उसे एग योल कहते हैं मीट होल ग्रेन्स पूड़ा अनाज जो होता है वो और नट्स ये सारी चीजें खाने से क्या होते हैं आपके बॉडी को कैल्शियम और फास्फोरस मिलता है जिससे आपकी हड्डियां और दांत अच्छे रहते हैं नेक्स्ट इज आयरन आयरन की कमी से क्या होता है ड्यू टू लैक ऑफ आयरन एनीमिया एनीमिया कौन सी बीमारी है? अ पर्सन ईजली गेट्स टायर्ड एनीमिया में क्या होता है इंसान जल्दी थक जाता है बहुत कमजोर हो जाता है आपको वीकनेस फील होती है लैक ऑफ हेमोग्लोबिन इन ब्लड खून में हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मीट बीट रूट ड्राई डेट्स एप्पल पोमोग्रेनेट इन सारी चीजों में क्या है आयरन मिलता है जनरली जितनी भी चीजें रेड दिखने वाली है ना रेडिश बीट रूट की तरह दिखने वाली चीजों में आयरन होता है पोमोग्रेट अनार जैसी दिखने वाली चीजों में आयरन होता है डेट्स में डेट्स क्या ड्राई डेट्स खजूर खजूर में आयरन होता है तो इन सारी चीजों को आपको खाना चाहिए इससे क्या होता है आयरन से आपका ब्लड अच्छा रहता है ओके आयोडीन नेक्स्ट इज आयोडीन ग्वाइटर स्वेलिंग ऑफ ग्लैंड इन द नेक गर्दन में सूजन हो जाती है ग्वाइटर एक ऐसी बीमारी है जिसमें क्या होती है आपकी नेक में स्वेलिंग हो जाती है स्टेंड फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ आपका फिजिकल ग्रोथ शारीरिक विकास और मेंटल ग्रोथ मानसिक विकास क्या होता है रुक जाता है आयोडाइड सॉल्ट आयोडीन युक्त नमक आपने एड में सुना होगा टाटा आयोडीन युक्त नमक आयोडीन युक्त नमक ही खाना चाहिए सॉल्ट से आयोडाइज सॉल्ट से आपको आयोडीन मिलता आपकी है आपकी बॉडी को याद रखिएगा आयोडीन बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के लिए नेक्स्ट श्रिम्प श्रिम्प एक तरह की मछली है जो कि ओशंस में होती है श्रिम्प से क्या मिलता है आपको आयोडीन मिलता है सोडियम एंड पोटाशियम इम्पॉपर फंक्शनिंग ऑफ मसल सोडियम और पोटेशियम की कमी से क्या होता है मसल की फंक्शनिंग खराब हो जाती है नर्वस नर्व्स और मसल आपके जो बॉडी के हैं वो ठीक से काम नहीं करने लगते हैं इम्बैलेंस ऑफ वाटर ना बॉडी बॉडी बैलेंस्ड नहीं रहता पानी की मात्रा शरीर में बढ़ जाती है इनकेस ऑफ एक्सेस सोडियम ना बॉडी ज्यादा सोडियम रहने पर क्या होता है पानी बढ़ जाता है शरीर में पानी घट जाता है शरीर में ओके जब किस कोई इंसान को कमजोरी हो जाती है वीकनेस होती है तो क्या होता है उसे पानी चढ़ाया जाता है कहते हैं ना कि पानी चढ़ रहा है दैट मीन्स सोडियम पोटाशियम ही चढ़ाया जाता है एक्चुअल में उन लोगों को ओके okay? ताकि उनके बॉडी में डिहाइड्रेशन जो हो गया है पानी की जो कमी हो गई है उसको बैलेंस किया जा सके कॉमन सॉल्ट सीरियल्स पल्सेस वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स इन सारी चीजों से क्या मिलता है आपको सोडियम एंड पोटेशियम मिलता है कॉमन सॉल्ट से नमक जो आप खाते हैं डेली सीरियल्स पल्सेस दालों से सब्जियों से और फलों से ओके नेक्स्ट इज अदर नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज और भी कुछ बीमारियां हैं जो कि नहीं फैलती है मतलब एक इंसान को दूसरे इंसान से नहीं होती मतलब टच करने से या कॉन्टामिनेट होने से उस इंसान के संपर्क में आने से नहीं फैलती कंजम्पशन ऑफ टू मच सॉल्ट इन द डाइट स्ट्रेस में लीड टू हाई ब्लड प्रेशर अधिक मात्रा में नमक खाने से और स्ट्रेस लेने से चिंता करने से क्या हो सकता है इंसान को हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है और हाई ब्लड प्रेशर क्या है नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज है ओके okay? एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होता अगर किसी को ब्लड प्रेशर है तो उसके साथ खाने से बैठने से उठने से सोने से साथ रहने से उसकी चीजें इस्तेमाल करने से ब्लड प्रेशर एक इंसान से दूसरे इंसान को नहीं होता हाँ ब्लड प्रेशर आपको तब हो सकता है जब आपके पेरेंट्स या किसी को ब्लड प्रेशर है तो होने के चांसेस होते हैं मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन क्या होता है फ्लो करता है बट कॉन्टामिनेट नहीं करता ये मतलब एक दूसरे को एक दूसरे से होता नहीं इन्फेक्शियस डिजीज नहीं है नेक्स्ट इज ओबेसिटी मोटापा इज कॉज ड्यू टू ओवर ईटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट ओबैसिटी कैसे होती है ज्यादा खाने से ओवर ईटिंग करने से ज्यादा अगर आप कार्ब्रोहाइड कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली चीजें खा रहे हैं तो क्या होगा वो आपके बॉडी में फैट के फॉर्म में जमा हो जाता है और आप मोटे होते जाते हैं एक्सेस कंजम्पशन ऑफ फ्राइड एंड फैटी फूड बहुत अधिक मात्रा में फ्राइड तले हुए खाने और फैटी फूड ज्यादा फैट वाला खाना खाने से इनसफिशियंट फिजिकल एक्सरसाइज और इनसफिशियंट कम मात्रा में फिजिकल एक्सरसाइज करने से अगर आप कोई काम नहीं कर रहे हैं और अधिक मात्रा में आ, फैटी फूड्स खा रहे हैं ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो क्या होता है आपका मोटापा बढ़ जाता है आपके मोटे होने के चांसेस क्या हैं बढ़ जाते हैं मोर टू नो विटामिन डी कंबाइंड विद द मिनरल्स एंड कैल्शियम एंड फास्फोरस इज इंपॉर्टेंट फॉर द हेल्थ ऑफ बोन एंड टीथ विटामिन डी कैल्शियम और फास्फोरस ये सारी चीजें क्या है आपके बोन्स और टीथ के लिए बहुत जरूरी है आवर बॉडी प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट हमारा शरीर खुद व खुद विटामिन डी बनाता है प्रोड्यूस करता है धूप के प्रेजेंस में धूप में इसलिए कहते हैं कि ठंड के मौसम में थोड़ी बहुत धूप में बैठनी चाहिए अर्ली सनराइज के टाइम पे बैठना चाहिए सुबह में बैठना चाहिए ओके okay? माल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी हम ओबेसिटी के बारे में पढ़ रहे थे मोटापा के बारे में मोटे मोटापे ज्यादा अधिक खाने से क्या होता है फैटी चीज फ्राइड चीज खाने से और एक्सरसाइज नहीं करने से काम नहीं करने से फिजिकल वर्क नहीं करने पे शरीर का जो माल फंक्शनिंग शरीर का जो काम करने का तरीका है वो क्या है खराब हो जाता है और आप मोटे होने लगते हैं द अनयूज पार्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ फैट अंडर द स्किन जो कार्बोहाइड्रेट और फैट आपके काम में नहीं लगता शरीर उसको इस्तेमाल नहीं कर पाता है काम करने में वो क्या होता है आपकी बॉडी में स्टोर हो जाता है आपके स्किन के नीचे फैट के फॉर्म में और आप मोटे होने लगते हैं दिस मेक्स अस ऑब ये आपको मोटा बनाता है एक्सेसिव इनटेक ऑफ फैट सॉल्यूवल विटामिन ए डी ई के इन द फॉर्म ऑफ पिल्स कैन लीड टू हाइपर विटामिन ऐसे विटामिन जो कि फैट सॉल्यूबल हैं विटामिन दो टाइप के होते हैं वाटर सोल्यूबल एंड फैट सॉल्यूबल वाटर सोल्यूबल क्या है आपका विटामिन सी बी ये वाटर सोल्यूबल है और विटामिन ए डी ई e के क्या है फैट सॉल्यूबल ये बॉडी में फैट के साथ ही घुलते हैं ओके तभी बॉडी इनको एब्जॉर्ब कर पाता है तो इन सारे विटामिन को क्या है पिल्स के फॉर्म में गोलियों के फॉर्म में एक्सेस नहीं खाना चाहिए इनटेक नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसको अगर आप पिल्स के फॉर्म में गोलियों के फॉर्म में खा रहे हैं देन व्हाट इट लीड्स टू इट लीड्स टू हाइपर विटमिनोसिस आपके बॉडी में ये जो विटमिन है ये जाकर स्टोर हो जाते हैं इट अफेक्ट्स लिवर एंड किडनी इससे आपकी लिवर और किडनी पे असर पड़ता है ठीक है ये आपके लिवर और किडनी को खराब कर सकती है प्रेजेंस ऑफ हार्मफुल सब सब्सटेंसेज इन द इन्वामेंट आपके एन्वामेंट में आपके वातावरण में चारों तरफ जो हार्मफुल चीजें हैं हार्मफुल सब्सटेंस है लाइक फ्यूम्स ऑफ कार्स कार का धुआं एंड फैक्ट्रीज कैन कॉज डिजीज ऑफ लंग्स एंड हार्ट ये लंग्स की बीमारी और हृदय रोग और फेफड़े का रोग क्या करता है करता है इसीलिए हमें धुएं से बचकर रहना चाहिए कार और फैक्ट्री से निकलने वाला धुआं हमारी सेहत के लिए हमारे एनवाट के लिए बहुत ही खराब है ओके सो विद चैप्टर इज कंप्लीटेड लेट्स डिस्कस द एक्सरसाइज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हाउ डू कॉम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड कॉम्युनिकेबल डिजीज कैसे स्प्रेड होते हैं The disease which spread from a per sick person to healthy person are called communicable or infectious disease. ऐसी बीमारियां जो बीमार इंसान से स्वस्थ इंसान में जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं Communicable disease कहते हैं यू हैव टू लिस्ट द पॉइंट्स कि ये communicable disease कैसे स्प्रेड होती हैं? थ्रू डायरेक्ट contact, डायरेक्ट डायरेक्ट contact के थ्रू स्प्रेड होती हैं थ्रू एयर थ्रू contaminated फूड एंड water. थ्रू एनिमल बाइट्स जानवरों के काटने से भी फैलती हैं थ्रू इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों से फैलती हैं सो दीज आर फ्यू पॉइंट्स हाउ कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड ओके नेक्स्ट इज हाउ डू वैक्सीन्स प्रोटेक्ट वैक्सीन्स कैसे प्रोटेक्ट करते हैं आपको बीमारियों से अब बॉडी हैज़ द एबिलिटी टू किल जर्म्स बिफोर द इंक्रीज़ इन नंबर हमारे शरीर के पास ये क्षमता है कि वो जो जर्म्स हमारे बॉडी में आ रहे हैं उनको बढ़ने से पहले ही मार दे दिस एबिलिटी ऑफ बॉडी कैन बी इंक्रीज बाय टेकिंग वैक्सीन्स ये जो एबिलिटी है ये जो क्षमता है हमारे शरीर की वो बढ़ जाती है वैक्सीन्स लेने से वैक्सीन्स प्रोटेक्ट अ पर्सन फ्रॉम सर्टन डिजीज ये बीमारियों से बचाती है हमें देखिल डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड रिड्यूज द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन ये हमारे बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो कि बीमारियां करते हैं उनको कम करती हैं और इन्फेक्शन को कम करती हैं आने से रोकती भी हैं और इन्फेक्शन को भी कम करती हैं ओके okay? दिस हेल्प बॉडी डेवलप इम्यूनिटी अगेंस्ट डिजीज और हमारे बॉडी को इम्यूनिटी डिजीज के अगेंस्ट इम्यूनिटी बनाने में प्रतिरोधक क्षमता बनाने में मदद करती है सो दीज आर फ्यू पॉइंट हाउ वैक्सीन्स हेल्प अस टू प्रोटेक्ट वॉट आर डिफिशियंसी डिजीज डिफिशियंसी डिजीज क्या होती है न्यूट्रंस की कमी से जो बीमारियां होती है उनको क्या कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज कहते हैं okay some diseases are caused due to deficiency or lack of particular nutrients in body these are called deficiency diseases okay and you will list some names like night blindness scurvy rectus berry berry these are some

obesity is caused due to overeating of carbohydrate motapa carbohydrate adhik matra mein khane ki wajah se hota hai and fat excess consumption of fried fatty food and insufficient exercise और exercise नहीं करने की वजह से और सिर्फ खाने की वजह से क्या होता है आपको मोटापा होता है okay? ओवर एटिंग ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट कंजन ऑफ फ्राइट फूड फैटी फूड एंड इनसफिशियंट फिजिकल एक्सरसाइज नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ आर डिजीजेज कॉज ड्यू टू कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वॉटर बी कंट्रोल्ड खाने से फैलने खाने और पानी गंदे खाने और गंदे पानी, पानी से फैलने वाले डिजीजे को कैसे हम रोक सकते हैं स्टेल और नॉट प्रॉपरली गुड फूड अनक्लियर वाटर कैन बी अ सोर्स ऑफ जर्म्स टाइफॉइड डायरिया क्लोरा कोलेरा जॉन्डिस फूड पॉइजनिंग आर कॉज ड्यू टू ईटिंग और ड्रिंकिंग कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वॉटर

वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डेंगू वायरस से डेंगू होता है प्रोटोजोआ से होते हैं ये सारे डिजीजेज फॉल्स कॉमन कोल्ड इज अ वाटर बॉन्ड डिजीज कॉमन कोल्ड क्या है पानी से होता है फॉल्स चेक इट वंस वाटर बॉन्ड डिजीज कॉलरा है वॉटरबॉन्ड डिजीज ओके सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स टाइफॉयड कैन बी कॉज बाई ईटिंग कॉन्टामिनेटेड फूड ट्रू डायबिटीज इज कॉज ड्यू टू बाइट ऑफ अ वेक्टर फॉल्स डायबिटीज कैसे होता है एक्सेस शुगर से आपके बॉडी में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो डायबिटीज होता है ओके okay? वेक्टर से नहीं होता वेक्टर्स क्या थे मच्छर मक्खी मच्छर मक्खी से डायबिटीज uh, नहीं होता ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर सोर्स ऑफ विटामिन बी ट्रू ओके नेक्स्ट इज द ब्लैंक्स डैश इज एन इफेक्टिव मेथड टू प्रिवेंट कॉम्युनिकेबल डिजीजेस किस तरीके से आप कॉम्युनिकेबल डिजीजेस को फैलने से रोक सकते हैं वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन से हम क्या कर सकते हैं फैलने वाली बीमारियों को रोक सकते हैं ओके okay? नेक्स्ट इज डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी लीड्स टू स्कर्वी स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से डैश इज अ सोर्स ऑफ कैल्शियम मिल्क मिल्क इज अ रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम एक्सेस ऑफ डैश क्रिएट इम्बैलेंस इन वॉटर इन आर बॉडी सोडियम एंड पोटेशियम सोडियम एंड पोटैशियम डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होने वाली बीमारियों को क्या कहते हैं कॉम्युनिकेबल डिजीज कॉम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं बिकॉज कॉम्युनिकेबल डिज़ीज क्या फैलती हैं तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही होती है नेक्स्ट इज डिजीज कैन बी क्लासिफाइड एश डैश एंड डैश कॉम्युनिकेबल एंड नॉन कॉम्युनिकेबल नेक्स्ट इज ओबेसिटी एंड हाई ब्लड प्रेशर आर डैश डिजीज नॉन कॉम्युनिकेबल ये क्या फैलते नहीं एक दूसरे में तो नॉन म्युनिकेबल डिजीज है ओके नेक्स्ट इज मैच द कॉलम ओबेसिटी मोटापा कैसे होता है ओबेसिटी क्या है नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज है एक दूसरे में फैलता नहीं है कॉलेरा कॉलेरा कैसे होता है बिकॉज ऑफ वॉटर कॉन्टेमिनेटेड फूड एंड वॉटर विटामिन ए की कमी से क्या होता है आंखों की बीमारी नाइट ब्लाइंडनेस मॉस्किटोज से क्या होता है मलेरिया एयरबॉन्न डिजीज कॉमन कोल्ड ओके सो मैच द कॉलम इज फिनिश नेक्स्ट इज पजल्स एंड क्विज गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म दैट कॉज डिजीजेज जर्म्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज बाय एनिमल बाइट एनिमल बाइट से होने वाली मलेरिया अ डिजीज स्प्रेड बाय मॉस्कटो डेंगू डिजीज स्प्रेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विथ सिख पर्सन एक ऐसी बीमारी जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट से होती है सिक पर्सन के चिकन पॉक्स मेथड ऑफ डेवलपिंग इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी Vaccination. Vaccination. Okay. Next is cross puzzle. First is cleanliness of our body, hygiene. नेक्स्ट इज इन्फेक्शियस इन्फेक्शियस को क्या कह सकते हैं कॉम्युनिकेबल नेक्स्ट इज इस कॉज इज कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स कॉमन कोल्ड और मीजल्स होते हैं इससे एयरबॉन्ड डिजीज टू डिजीजेस कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म जर्म्स इट कॉजेज फूड पॉइजनिंग एंड एथलीट फूड फूड पॉइजनिंग हो जाती है और एथलीट फूड हो जाते हैं किस चीज से फोर्थ फंगस Fungi. Diseases that spread through air, airborne disease five. It, it causes common cold and measles. virus. Next is a non-communicable diseases caused due to overeating. ओवर ईटी की वैसे क्या होता है ओबेसिटी ओके सो दिस इज आल्सो कंप्लीटेड नेम एनी टू डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बैक्टीरिया से होने वाली दो बीमारियों के बारे में आपको बताना है विच डिजीजेज आर स्प्रेड बाय बैक्टीरिया लस्सी कॉलेरा एंड ट्यूबो क्लॉसिस यू कैन सी द चार्ट एंड यू कैन राइट कॉलेरा एंड ट्यूबो क्लासिस और टेटनस और कफ वूपिंग एनी नेम टाइफ नेक्स्ट इज बिकॉज ऑफ फंगस वायरस वायरस से होने वाला बीमारी फंगी से होने वाली बीमारी कॉमन कोल्ड एंड मीजल्स टाइफॉयड और कॉलेरा प्रोटोजोआ से होने वाला बीमारी मलेरिया एंड डेंगू Fungi, food poisoning, food poisoning, and athlete food. Okay. नेक्स्ट इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉम्युनिकेबल एंड नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज कॉम्युनिकेबल और नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज में अंतर बताना है कॉम्युनिकेबल डिजीज कैसे होते हैं और नॉन कॉम्युनिकेबल डिजीज कॉम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम इल पर्सन टू हेल्दी पर्सन वॉट इज अ कॉम्युनिकेबल डिजीज द डिजीज विच स्प्रेड फ्रॉम सिक पर्सन टू हेल्दी पर्सन इज कॉम्युनिकेबल डिजीज इट्स स्प्रेड थ्रू एयर Water, germs, direct contact, okay, and non-communicable disease. Non-communicable disease does not spread from one person to another person. Non-communicable disease kya hote dusre, dusre Diseases which do not spread from one person to another person is called non-communicable disease. They are caused due to germs. They may be caused by the deficiency of nutrients. दे आर नॉट कॉज बाय जर्म्स जर्म्स की वजह से नहीं होते हैं और कॉम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं जर्म्स की वजह से होते हैं so, कॉम्युनिकेबल डिजीज है? जो थे आपके दे स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन दे आर कॉज ड्यू टू जर्म्स और ये क्या है नॉन कॉम्युनिकेबल दे डोंट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनादर पर्सन एंड दे आर नॉट कॉज बाय जर्म्स दे आर कॉज्ड बाई nutrient deficiency okay next is airborne disease and waterborne disease mein difference batana hai. difference between airborne disease and waterborne disease airborne disease diseases that spread through air are called airborne disease like common cold influenza chickenpox smallpox are an example of airborne disease. Diseases that are spread by drinking water and contaminated by human or animal are called waterborne disease. An example are cholera. Cholera ka waterborne disease ka example. Hai. So dif differentiate. We have differentiated between common name, communicable and non-communicable and airborne and waterborne disease. So with this, the chapter is completed. If you have understood the chapter clearly, and if you have any doubt, don't forget to write in the comment and ask. Thank you for watching the video, guys. Don't forget to like, subscribe, and share the video.